हेलो फ्रेंड्स, रणवीर बात कर रहा हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोहिनूर प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड टूर ऑफ साउथ अफ्रीका के सेकंड T20 मुकाबले के बारे में, जो कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा। ऑलरेडी 1-0 से अप है साउथ अफ्रीका, 3 मैच का टोटल सीरीज है। ये मैच अगर जीतेगी तो 2-0 से सीरीज जीत जाएगी और एक और मैच रहेगा जो कि एक फॉर्मेलिटी रहेगा। तो इंग्लैंड भी चाहेगी कि अच्छा मुकाबला दे जैसा लास्ट मैच हुआ। अब तो ऐसा हो गया है कि 6 बॉल में भी 7 रन डिफेंड हो जा रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही होते रहेगा क्योंकि 600-700 मैचेस हो रहे हैं साल में। तो जितना ज्यादा मैचेस होगा उतना ज्यादा आपको घोड़ा उठते हुए भी देखने को मिलेगा। इंटरटेनिंग करना है मैचेस को। डेट का बात करेंगे तो फ्राइडे 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन ये मैच खेला जाएगा। टाइम होगा 9:30 PM इंडियन से टाइम से। रात में मैच है, वेन्यू है किंग्समेट, डरबन में मैच होने वाला है। मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं 7428525767। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। आपको मैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए, हु विल विन चाहिए, आपको सेशन खेलना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोहिनूर प्रेडिक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। जाइए, काम चेक करिए, अच्छा लगे तो फिर कांटेक्ट करिएगा। पिच रिपोर्ट में बात करेंगे तो रेन अफेक्टेड ग्राउंड है, बहुत सारे मैचेज यहाँ पे रद्द होते हैं। MSL में भी काफी मैचेज यहाँ पे रद्द हुए हैं और अभी भी अगर रिपोर्ट का बात करेंगे वेदर रिपोर्ट का, तो थोड़ा सा रेन अफेक्टेड है, बारिश हो रही है और होने की भी आशंका है। तो रेन अफेक्टेड ग्राउंड है जिसकी वजह से टैकी सरफेस है, मतलब बॉल होल्ड होके आएगा, थोड़ा सा स्लो पिच है, मॉइस्चर है और उतना अच्छे से बैटिंग करना आसान नहीं होगा इस ग्राउंड पे क्योंकि बॉल स्टिक करेगा। अब प्रीव्यू लेते हैं, बात करेंगे पिछले मैच का। तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट बैट करते हुए 177 रन मारा था और इंग्लैंड उसको चेस करते 176 रन ही मारी 9 विकेट के नुकसान पे। 1 रन से साउथ अफ्रीका जीती थी, मार्जिन ज्यादा नहीं था। लास्ट ओवर में लुंगी एंगिडी ने अच्छा बॉलिंग किया, 6 बॉल में 7 रन चाहिए थे, वो डिफेंड कराया और साउथ अफ्रीका को 1-0 सीरीज में अप करवाया। लेकिन अगर बात करेंगे साउथ अफ्रीका का, तो 8 में से 11 मैचेस जीती है, लास्ट 11 मैचेस में से 8 जीती है। वही इंग्लैंड का बात करेंगे तो लास्ट 11 में से 7 मैचेस जीती है। ये रिसेंट ईयर के कुछ स्टैट्स है। तो दोनों ही टीम आप देख सकते हैं काफी कंपेटिटिव है और नेक टू नेक चल रही है। वेदर रिपोर्ट में बात करेंगे तो 27 डिग्री का टेम्परेचर है, चांसेस ऑफ रेन भी बहुत ज्यादा 12% है, ह्यूमिडिटी लेवल भी 84% की। तो अगर रेन होता है तो डकवर्थ लुईस लगेगा, ध्यान रखना है बेट प्लेस करते समय आपको मैच में। टीम न्यूज़ में बात करें इंग्लैंड की तरफ से, तो डेविड मलान बहुत अच्छे फॉर्म में थे। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का सीरीज हुआ था, उसमें 208 रन मारा था सिर्फ 4 इनिंग में और फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हो सकता है कल के मैच में इनको चांस दे दिया जाए क्योंकि जो डेली सिर्फ 3 रन पे आउट हो गए, तो इनके जगह डेविड मलान खेल सकता है। अगर डेविड मलान खेलेंगे तो ओपनिंग करते हुए आपको देखने को मिलेंगे और आपको बटलर डाउन द ऑर्डर थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि लास्ट में फिनिशर का रोल कोई नहीं निभा पा रहा है इंग्लैंड की तरफ से। वही अगर बात करेंगे सैम करन, तो सैम करन अपने भाई को रिप्लेस कर सकते हैं टॉम करन को, ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। 3 ओवर में 41 रन दिया है और 13.7 की इकोनॉमी से 14 की इकोनॉमी से रन बढ़ाया इन्होंने और बैटिंग में भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। तो हो सकता है इनके जगह सैम करन खेल सकते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से टीम न्यूज का बात करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, विनिंग टीम है, लास्ट मैच में जीत के आ रही है, तो कोई भी पॉसिबल चेंजेस करते हुए टीम नहीं देखने को मिलेगी, सेम प्लेइंग के साथ उतर सकती है साउथ अफ्रीकन टीम। फंडर पॉइंट से बात करेंगे तो हेड टू हेड में इन दोनों के बीच में 17 मुकाबले हुए, यहाँ पे इंग्लैंड 6 जीती है, साउथ अफ्रीका 9 जीती है, 2 मैच नो रिजल्ट है, तो साउथ अफ्रीका का पल्ला भारी है। वही बात करेंगे हेड टू हेड इन साउथ अफ्रीका, तो 6 मुकाबले हुए इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इंग्लैंड 1 जीती है, साउथ अफ्रीका 5। तो आप देख सकते हैं होम एडवांटेज काफी ज्यादा है, साउथ अफ्रीका अपने घर पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है इंग्लैंड के ऊपर। हेड टू हेड बात करेंगे लास्ट 5 रिसेंट 5 मैचेज जो हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं इंग्लैंड 3 जीती, साउथ अफ्रीका 2 जीती, तो इंग्लैंड यहाँ पे थोड़ा सा पल्ला भारी देखने को मिल रहा है इंग्लैंड का। वही बात करेंगे साउथ अफ्रीका का जो परफॉर्मेंस है किंग्समेट डरबन जहाँ कल का मैच खेला जाने वाला है इन दोनों के बीच में, तो 8 मुकाबले खेली है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, 5 जीती है, सिर्फ 2 हारी है, 1 मैच नो रिजल्ट, मतलब आप देख सकते हैं डरबन में काफी इंप्रेसिव इनका रिकॉर्ड है। वही लास्ट 3 मैचेज यहाँ पे जीतते हुए आ रही है और बड़े बड़े टीम को हराया, न्यूजीलैंड को हराया है यहाँ पर, अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो अच्छे टीम को हरा के आ रही है रिसेंट लास्ट 3 मैचेज में। वेन्यू स्टेट्स का बात करेंगे तो 13 मैचेज हुए, ये T20 इंटरनेशनल का है जहाँ पे 6 बार जीती है फर्स्ट बैट, 6 बार सेकंड बैट, 1 मैच टाई है, एवरेज फर्स्ट 148 है, हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का 218 पे 4 और लोएस्ट टोटल है केनिया का 73 पे 10। तो आपको यहाँ पे देखने को ज्यादा मिल नहीं रहा क्योंकि बहुत कम मैचेज होते हैं यहाँ पे। आप बात करेंगे 46 मैचेज का T20 डोमेस्टिक यानी MSL और बाकी लीग मैचेस का, तो 28 बार फर्स्ट बैट जीती है और 18 बार सेकंड, तो अभी जो एडवांटेज टाइप है वो फर्स्ट बैट के साथ है। एवरेज फर्स्ट इनिंग 154 का है, हाईएस्ट स्कोर डॉल्फिन्स का 214 पे 2 और डॉल्फिन्स का ही लोएस्ट स्कोर 79 पे 5। इंग्लैंड की तरफ से प्लेइंग का बात करें तो जेसन रॉय, जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, इयन मॉर्गन, बेन स्टोक, जोर्डन ली के जगह डेविड मलान खेल सकते हैं, मोइन अली, टॉम करन की जगह सैम करन खेल सकते हैं, आरदी लसित, क्रिस जोर्डन और मार्क वुड। साउथ अफ्रीका की तरफ बात करेंगे प्लेइंग का तो डीकॉक, तेम्बा बावुमा, रेसी वेंडर डसन, जे जे स्मथ, जॉन जॉन स्मथ, डेविड मिलर, डोइन प्रेटोरियस, एंडिले फेलुकवायो, ब्यूरोन हेनरिक्स, तबरेज शम्सी, डेल स्टेन और लुंगी एंगेडी।
टी प्लस का बात करें इंग्लैंड की टीम की तरफ से, तो लास्ट मैच में 70 रन मारा जेसन रॉय ने, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मॉर्गन का भी 52 रन था लास्ट मैच में, कंट्रीब्यूशन अच्छा था, लेकिन बैड लक था कि टीम को जिता ना पाए। और 192 रन भी मारा अभी जो T20 सीरीज हुआ है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस था 5 इनिंग में। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए दोनों ही। जॉर्डन का दो 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 विकेट है 28 रन में, 28 रन देखे लास्ट 3 ओवर में, और लास्ट ओवर काफी अच्छा बॉलिंग भी किया था। अभी 15 विकेट यहाँ पे इन्होंने बीवीएल में भी लेके आ रहे हैं, तो अच्छे फॉर्म में। वही स्टोक्स बहुत बैट एंड बॉल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हालांकि पिछले मैच में बैटिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, सिर्फ 4 रन पे आउट हो गए, लेकिन 1 विकेट निकाला था 3 ओवर में 24 रन देके। वही साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करें तो भावुना 43 रन है 27 बॉल में, और डिकॉक काफी फास्ट खेला था 31 रन है 15 बॉल में। दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो कैप्टन भाई जी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं दोनों। और हेंडरसन भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 31 रन दिया है मारा है इन्होंने 26 गेंद में। वही एंगिडी ने अच्छा बॉलिंग किया है, 3 ओवर फेंका 30 रन देके 4 ओवर में, और अपनी टीम को मैच जिताया लास्ट ओवर में 7 रन डिफेंड करके। ये रही ड्रीम इलेवन टीम जो मैंने आपके लिए डिजाइन की। मैं डिकॉक और बटलर के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पे बैरिस्टो अच्छे ऑप्शन है, लास्ट में 23 रन भी मारा है। जेसन रॉय, इयन मॉर्गन और भावुना को मैं पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो रैसी वेंडरसन है, डेविड मिलर है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंड में बात करेंगे तो फिलिप वायो, मोइन वाली और ड्रोन प्रिटोरियस के साथ जा रहा हूँ। बेन स्टोक्स अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो जरूर उनको पिक करिए। बॉलीवुड में बात करें तो क्रिस जॉर्डन, डेल स्टेन और तबरे शमसी को पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे लुंगी एंगेटी बहुत अच्छे ऑप्शन, आप उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। ब्यूरो थोड़ी मार्क वुड के साथ भी जा सकते हैं, आदिल असलम भी 2 विकेट निकाला तो उनके साथ भी जा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो यन मॉर्गन को वाइस कैप्टन और भामुना को कैप्टन बना रहा हूँ। यहाँ पे जेसन रॉय बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए, बटलर के साथ जाया जा सकते हैं वाइस कैप्टन में, तो ये सारे ऑप्शन है। डीकॉक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए। तो ये रही डी टीम दोस्तों, आप यहाँ पे प्रीव्यू ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और रिपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट करिएगा 7428525767 पे। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।